तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं कि मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एसेंस ऑफ रेमेडीज़। और आप लोग सोच रहे होंगे आज मुझे क्या हो गया, ये मैं गाने क्यों गा रहा हूँ एलेंस की नोट छोड़ करके। तो आज हमारी जो रेमेडी है वो इसी पे बेस्ड एक रेमेडी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटिम क्रूड। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसके कॉजेज़ हम कुछ देख लेते हैं। इसके जो कॉज होते हैं वो होते हैं, एक तो कोल्ड बाथ से, अगर ये ठंडे पानी से नहा ले, कहीं नदी तालाब में तैर ले जा करके, ठीक है, या बहुत देर तक नहा ले तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। डिसअपॉइंटेड बाई लव, इसी वजह से ये गाना मैंने गाया, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, अगर लव डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो यहाँ पे हम एंटिम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं देने के लिए, उसके अगर पर्टिकुलर्स भी उसके साथ मैच होने चाहिए। वाइन इसका एक तीसरा कॉज है, अगर ये बहुत ज़्यादा वाइन पिए, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें अगर ये खाता है तो उससे इसकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सिरके वाली चीज़ें जैसे अचार वगैरह, या फिर ऐसी चीज़ें जिसमें सिरका पड़ता है, वो चीज़ें खाने से इसकी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लेने से, लेकिन वो भी खट्टे फ्रूट्स, अल्कोहल लेने से, किसी तरह का सप्रेस्ड इरप्शंस हो, या सन हीट, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सन हीट, अगर बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहा है या बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कर रहा है, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो एंटिम क्रूड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इंक्लाइंड टू ग्रो फैट फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, बच्चे या फिर वयस्क लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, अगर वो मोटे होना शुरू हो जाएं, धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ने लगे, कोई कॉज नहीं मिल रहा हो, अचानक से वो मोटा होने शुरू हो जाएं, वहाँ पे एंटिम क्रूड दे करके आप उनको पतला कर सकते हैं। फॉर द एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, जीवन के एक्सट्रीम्स जब आते हैं उस वक्त भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। एक्सट्रीम्स का मतलब, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ का मतलब जब जीवन का अंतिम पड़ाव होता है या इस ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया सडनली बिकम कॉन्स्टिपेटेड और अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, बुज़ुर्ग लोगों में, ठीक है, क्योंकि बताया गया है ना कि एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में भी ये यूज़ होती है, यानी कि जीवन के जो अंतिम पड़ाव होते हैं वृद्धावस्था में भी ये औषधि का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। तो ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं और उनको सुबह सुबह उठते ही अगर उनको डायरिया होने लगे, ठीक है, या जनरली उनको डायरिया होता हो, वैसे क्रॉनिक डायरिया में हम फॉस्फोरस भी यूज़ करते हैं, तो अगर ऐसे बुज़ुर्ग लोग हों और उनको इस तरीके का सुबह उठते ही अगर डायरिया होता हो और अचानक से फिर उनको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता हो, कभी एकदम डायरिया होने लगता हो, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, तो इस तरीके का ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अगर हमें मिलता हो, जैसा कि एब्रोटेन में भी देखने को मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंटिम क्रूड को भी कंसीडर कर सकते हैं। पल्स हार्ड एंड रैपिड, लेकिन एब्रोटेनम और इसमें क्या डिफरेंस होता है, एब्रोटेनम जनरली यंग पीपल्स या बच्चों में ऐसे देखने को मिलती है, और इसका जो ये डायरिया और कॉन्स्टिपेशन जो अल्टरनेट होगा ये जनरली हमें मिलता है एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ में, ओल्ड एज में। पल्स जो होता है वो इसका हार्ड और रैपिड होगा, ठीक है, पल्स बहुत तेज़ चलेगा, बहुत तेज़ एकदम धक 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 ऐसे पल्स पे हाथ रखेंगे और जल्दी जल्दी बिल्कुल धक 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 इस तरीके से पल्स चलता है इसका। नेक्स्ट इसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। चाइल्ड इज़ फ्रेटफुल पीविश कैनॉट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट की नोट है इसका, क्योंकि ये बोल्ड में दिया हुआ है। बच्चा जो होता है इसका वो बहुत ही तुनक मिजाज होता है, तुनक मिजाज मतलब छोटी छोटी बातों पे एकदम बिल्कुल चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पे एकदम चिड़चिड़ाने लगना, ठीक है ना, पीविश होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है, छोटी छोटी बात पे मुंह बना लेता है इस तरीके का, और उसको अपनी तरफ देखना या उसको कोई छूए ये उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
अगर एंटिम क्रूड का बच्चा बैठा हुआ है, आप सिर्फ उस बच्चे की तरफ अगर देखोगे तो वो बच्चा अगर छोटा है तो रोने लगेगा, आपकी तरफ देखेगा नहीं, अपनी मम्मी से ऐसे करके चिपक जाएगा या उस तरफ मुंह फेर लेगा, इस तरीके का बिहेवियर होता है। अगर इसका छोटा बच्चा अगर 4-5 साल का है, चलने लायक भी है, अगर वो रोड पे चलते हुए जा रहा है, आप उसको थोड़ी देर के लिए देखो तो आपसे मुंह फेर करके उस तरफ चला जाएगा या तो फिर वहीं पर रोना शुरू कर देगा, इस तरीके का बच्चा होता है। और छूना तो उसको बिल्कुल, जैसे ही आप टच करोगे या स्टेथोस्कोप लगाओगे तुरंत वो रोना चालू कर देगा, ज़रा सा भी छूना एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो छोटे बच्चे जो इस तरीके का बिहेव करते हैं, आप इस सिम्टम पे उनको एंटीम क्रूड प्रेस्क्राइब कर सकते हो अगर कोई स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के आता है तो। सल्की, सल्की यानी कि आलसी, आलसी नेचर का होता है, ठीक। डज नॉट विश टू स्पीक और बी स्पोकन टू, ना वो खुद किसी से बात करना चाहता है, ना चाहता है एंटीम क्रूड की कोई उससे बात करे, इस टाइप का। एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, थोड़ा सा भी अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है। अब जैसे बच्चा है तो बच्चा तो गुस्सा नहीं कर पाएगा, बच्चा रोएगा, ठीक है, उधर मुंह फेर लेगा, इस तरीके का बिहेव करेगा अगर आप उसको थोड़ी देर देखो या उसको छूओ या उसके पास जाओ तो। लेकिन अगर कोई बड़ा इंसान होगा और अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे देख लो नॉर्मली, मतलब थोड़ा सा अटेंशन दे करके, तो जो है वो तुरंत एकदम गुस्सा आ जाएगा। क्यों देख रहे हो, क्या घूर रहा है, किस लिए घूर रहा है, कोई काम धाम नहीं तेरे को, कभी देखा नहीं, आदमी नहीं देखा, इस तरीके से एकदम बिहेव करने लगेगा। नेक्स्ट है ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस होती है इसके अंदर, बहुत ही एक्सट्रीम सैडनेस, बहुत दुखी होगा, ठीक है, और हमेशा रोता रहेगा अपने दुख की वजह से। लोदिंग लाइफ, जीवन से, जीवन जो होता है उसको वो अपना एकदम बोझ जैसा लगने लगता है, उसको अपने लाइफ से एकदम घृणा हो जाती है, मन करता है अपने जीवन को नष्ट कर दूँ। एंग्शियस लैक्रिमोज मूड द स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा उतावलापन होता है, उसका मूड हमेशा रुआंसा जैसा चेहरा उसका रहता है, हमेशा उसका मन करता है रोने का, इस टाइप का होता है, ठीक है। उसकी बातों से, उसके चेहरे से, उसके एक्सप्रेशन से भी लग जाएगा कि हमेशा इसका रोने जैसे ही इसका मन रहता है, थोड़ी थोड़ी बातें उसके जल्दी दिल पे लग जाती हैं। एब्जेक्ट डिस्पेयर होता है, घोर निराशा होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, एब्जेक्ट डिस्पेयर मतलब बहुत ज़्यादा निराश रहता है, एकदम घोर निराशा बिल्कुल होती है उसको, और इस वजह से सीसाइड बाय ड्राउनिंग उसका मन करता है कि कहीं डूब करके मैं आत्महत्या कर लूँ, इतनी ज़्यादा निराशा होती है। इररेजिस्टिबल डिज़ायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट वर्सेस, उसका जो एक, ये बहुत ही स्पेशल इंडिकेशन है उसके मेंटल सिम्टम्स का, कि उसका हमेशा मन करता है कि वो राइम्स में बात करे, ठीक है ना, या फिर जैसे शेर व शायरी होती हैं उस रूप में ये बात करता है, ठीक है ना। सीधे अगर उससे कोई जवाब भी पूछा तो कविता के रूप में गा करके उसका आंसर देगा, ठीक है ना, राइम्स में बिल्कुल। सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट स्पेशली एक्सटेटिक लव, उसका जो होता है जब भी चांदनी रात होती है, ठीक है ना, तो चांदनी रात में उसको बड़े रोमांटिक विचार आते हैं, ठीक है, उसका सेंटिमेंटल मूड हो जाता है, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है अपने प्रेम के प्रति, ठीक है। चांदनी रात में उसका सारा जो होता है रोमांस वो बाहर आता है और वो बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह जाता है, ठीक है ना। इस्पेशली ऐसा जो ये सेंटिमेंटल जो मूड होता है इसका, ये मोस्टली होता है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन के कारण, ठीक है, यानी कि ऐसे प्रेमी जिनको अपने प्यार का प्रतिफल यानी कि उसका रिज़ल्ट अगर उनको नहीं मिलता है तो इनकी ऐसी मानसिक अवस्था हो जाती है, यानी कि उन्होंने किसी से बहुत प्यार किया था लेकिन उस इंसान ने इनको घास नहीं डाली या बिल्कुल इनको पसंद नहीं किया, ठीक है, या इनको भाव नहीं दिया ज़रा भी, ठीक, तो इस वजह से, और इन्होंने अपनी तरफ से एक तरफ़ा प्यार खूब किया उससे, तो बाद में इनका इस तरीके का मानसिक अवस्था हो जाती है, जब वो इंसान दूसरे के साथ चला जाता है तो फिर ये इस तरीके से प्यार में पड़ के शायर बन जाते हैं, ठीक है ना, वो गाना है ना, मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ तेरे प्यार में ओ कविता, ठीक है। तो ये वही कवि होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, कैल्केरिया फॉस में भी ये सिम्टम है, ठीक, तो जब हम कैल्केरिया फॉस पढ़ेंगे तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं फिज़िकल जनरल्स पे। सेंसिटिव टू द कोल्ड एग्रवेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड, ठीक है, कोल्ड से बहुत सेंसिटिव होता है और ठंड अगर इसको लग जाती है तो इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उससे, ठीक। लॉन्गिंग फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, इसको जो है एसिड्स यानी कि खट्टी चीज़ें या सिरके वाली चीज़ें, अचार, इस तरीके की खट्टी चीज़ें खाने की बहुत इच्छा होती है इसको,
ठीक है, खट्टी चीज़ इसको बहुत पसंद होती है, लेकिन वो खाने से इसको प्रॉब्लम भी होती है, वो हमने कॉज में देखा था इसके। कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, वेरी इंपॉर्टेंट, सूरज की रोशनी, सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोशनी तो नहीं सॉरी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। वर्स फ्रॉम ओवर एग्जर्शन इन द सन, बहुत ज़्यादा अगर धूप में काम कर लेते हैं या धूप में गर्मी का मौसम है, अगर अब आज के टाइम में कोई एकदम टहल करके आ जाए, ठीक है, बाहर से आधा एक घंटा घूम करके आए, या फिर ऐसे लोग जिनका धूप में काम होता है जैसे LIC एजेंट, ये बाइक चला रहे हैं गर्मी में, या फिर बिजली वाले घूम घूम करके पूरा धूप में वो लोग काम करते हैं, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम अराइज़ हो जाती है बताते हैं, हमें पता चलता है उनके ऑक्यूपेशन से कि वो उनका इस तरीके का काम है धूप में घूमने का, तो फर्स्ट गिव हिम एंटीम क्रूड, ठीक। तो ये हो गया, लैकेसिस और नेट्रम्यूर में भी है ये सिम्टम। एग्रेवेटेड फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, आग के पास अगर कुछ बहुत अगर ज़्यादा काम करते, जैसे कुछ लोग भट्टी में काम करते या चूड़ी की फैक्ट्री बनाने में काम करते, वहाँ पे एकदम गरम गरम लावा टाइप का बिल्कुल वो शीशा पूरा पिघला रहता है, इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, और अगर वैसा कोई पर्सन हो और उसको कोई दिक्कत अगर अराइज हो जाए, या फिर आग के पास जाने से इनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो भी ऐसे कंडीशन में एंटीम क्रूड इज़ द रेमेडी। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न, सनबर्न हो जाए, लू लग जाए, ठीक है, उससे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी एंटीम क्रूड। एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, गर्म मौसम में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो तो भी एंटीम क्रूड। तो मतलब ये है कि सूरज से की गर्मी से जलते हुए तन को अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो एंटीम क्रूड, ठीक, और या तो किसी भी तरीके की गर्मी, सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, किसी भी तरीके की गर्मी से अगर इसके प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं तो एंटीम क्रूड। When symptoms reappear, they change locality or go from one side of the body to the other. बहुत important है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी symptoms इसके होते हैं वो अपना location change करते हैं, ठीक है, और वो body की एक side से दूसरी side में travel करते रहते हैं। जैसे कि अभी अगर मेरे right hand में pain है और वो pain अगर किसी वजह से मैंने दवा खा लिया या बिना दवा खाए भी अगर अपने आप बंद भी हो गया, तो कुछ टाइम बाद वो बॉडी के लेफ़्ट साइड में या कहीं लेफ़्ट पैर में या कहीं लेफ़्ट आर्म में ऐसे फिर वो वापस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इसके जो सिम्टम होते हैं वो जब भी रीअपियर होंगे तो वो अपना लोकेशन चेंज कर देते हैं। सिम्टम नहीं चेंज होता है, सिर्फ लोकेशन उसका चेंज होता है, पेन का पेन ही रहेगा, इधर हुआ बाद में उधर होगा बाद में इधर होगा, ऐसे चेंज होता रहेगा उसका लोकेशन, बट सिम्टम सेम होगा। कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती हैं जिसमें सिम्टम जब चेंज होकर के आता है तो लोकेशन भी चेंज करता है और उसके साथ में अपना रूप भी चेंज कर देता है, और कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसमें सिम्टम रीअपियर जब होता है तो वो एक ही जगह पे अपियर होगा लेकिन उसका सिर्फ रूप बदल जाएगा, तो वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखना है, सिम्टम जब भी रीअपियर होगा तो अपना लोकेशन सिर्फ चेंज करता है, सिम्टम अपना स्वरूप नहीं बदलता, जो सिम्टम था वही सिम्टम होगा, सिर्फ लोकेशन बदल जाएगी उसकी। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठंडे पानी से नहाना उसको बिल्कुल नहीं पसंद होता है और ठंडे पानी से ही नहाने से उसकी सारी दिक्कतें चालू हो जाती हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से भी इसको दिक्कत शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड से भी इसको दिक्कत शुरू हो जाती है। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विथ कोल्ड वाटर, बच्चे बहुत सारे देखे होंगे जब उनको ठंडे पानी से नहाते बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल इच्छा नहीं होती ठंडे पानी से नहाने की। कोल्ड बाथिंग की वजह से सर दर्द अगर होने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोल्ड बाथिंग कॉजेज वॉयलेंट हेडेक, कहीं बारिश में भीग गया एकदम या बहुत ज़्यादा कहीं स्विमिंग पूल में तैर करके आया, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहा लिया और उसके बाद जो है उसको सर में दर्द होने लगा, तो एंटीम क्रूड। कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस, अगर उसको बहुत ज़्यादा उसने ठंडे पानी से नहा लिया, कहीं पानी में तैर वैर लिया था, नदी तालाब में नहा लिया या बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहा लिया और उसके बाद जो है उसके मेंसेस बंद हो गया आना, तब से बोले जब से वो मैं स्विमिंग पूल गई थी ना, वहाँ मैंने वाटर पार्क गई थी, वहाँ मैं खेली पानी में और तब से फिर जो है मेरे मेंसेस बंद हो गए, बस पकड़ लेना एंटीम क्रूड तुरंत। कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर, पानी में तैरने से अगर ठंड लग जाए तो एंटीम क्रूड। यहाँ पर रस्टॉक्स भी दिया हुआ है, लेकिन रस्टॉक्स में ठंड गर्म लगने से प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन इसमें सिर्फ ठंड लगने से ही प्रॉब्लम होती है। रस्टॉक्स में अगर पेशेंट खूब गर्म है और वो फिर पानी से भीग गया और तो दिक्कत शुरू हो गई, तब रस्टॉक्स, लेकिन
एंटिम क्रूड में अगर वो पूरा ठंडा हो जाता है नहाने का एकदम ठंडे पानी में, ठीक है, भले वो उससे पहले एग्जर्शन में हो या ना हो, उसको गर्म हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो ठंडा होने से उसकी दिक्कत शुरू होती है, तो एंटिम क्रूड। अब आते हैं इसके सर में, हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग हमने पढ़ी लिया है, नहाने के बाद, तालाब में नहाने के बाद सर में दर्द होने लगना, ठंड लगने से सर में दर्द होने लगना, अल्कोहल लेने से इसके सर में दर्द होने लगना, ये सब हम कॉज में देख चुके हैं कि अल्कोहल की वजह से, ठंडे के पानी की वजह से इन सब से इसकी दिक्कत बढ़ती है। डीरेंज्ड डाइजेशन, एसिड्स, फैट, फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन, इसका डाइजेशन प्रॉब्लम की वजह से अगर सर में दर्द हो, ये भी है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। पेशेंट आएगा कहेगा डॉक्टर साहब आजकल पेट में बड़ी दिक्कत रहती है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, कुछ भी खाता हूँ, भूखे नहीं लगती, खाना नहीं पचता है और ऐसा लगता है कि खट्टी खट्टी डकारे आ रही, गैस बहुत बनती है और जब भी पेट गड़बड़ होता है सर में मेरे बहुत दर्द होता है। बस एंटीम क्रूड पकड़ लेना पहले वहाँ पर, ठीक है ना। तो डीरेंज डाइजेशन की वजह से उसके सर में दर्द होता है, एसिड बनता है पेट में बहुत ज़्यादा, या फिर एसिडिक चीज़ें खाने से इसके पेट की दिक्कतें हो जाती हैं, खट्टा फल खा लेता है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा लेता है, या फिर सप्रेस्ड इरप्शन को, इरप्शन हुआ उसको उसने एलोपैथिक मेडिसिन लगा होगा कि दबा दिया और उसके बाद से उसको सर में दर्द चालू हो गया, ठीक है, या उसका डाइजेशन डीरेंज होने लगा, तो एंटीम क्रूड। थ्रोट, गले में क्या दिक्कत होता है? म्यूकस इन लार्ज क्वान्टिटी फ्रॉम पोस्टीरियर नर्व्स बाई हॉकिंग, जैसे उसके गले के पीछे, ठीक है ना, पोस्टीरियर नर्व्स जो होता है, मतलब जो नाक का अंदर जो हिस्सा होता है, जो होल होते हैं अंदर से मुंह के अंदर बकल कैविटी के पीछे फेरिंग्स में, ठीक है ना, वहाँ से बहुत सारा म्यूकस जो है उसके गले में आकर के बार बार जमा हो जाता है, मतलब वो बार बार ऐसे करके लोग गला खोक खोक करके ऐसे करके साफ़ करते हैं गला, ठीक है, मतलब पूरा म्यूकस निकाल के फेंकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे ढेर सारा म्यूकस कलेक्ट हो जाता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके फिर बाहर फेंकेगा, फिर थोड़ी देर बाद धीरे 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 वहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, तो वो पोस्टीरियर नर्व से आता है, वो वहीं जमा होता है, ठीक है। ये सिम्टम आपको नेट्रम कार्ब, हाँ शायद नेट्रम कार्ब में भी ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है, उसमें भी क्रॉनिक जुकाम होता है और उसमें भी ये सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में पहले दिया है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद अगर कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट शुरू हो जाए, ये चीज़ पल्स में भी है ओवर ईटिंग, लेकिन वो ओवर ईटिंग ऑफ रिच फूड, इसमें ओवर ईटिंग नॉर्मली भी या फिर बहुत ज़्यादा वो कुछ ऐसे स्पाइसी तो खैर ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें अगर ये खा ले, ठीक है ना, तो भी इसकी गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स इसको स्टार्ट हो जाती हैं। तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स फ्रॉम ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने से इसका अगर गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो तो स्टमक वीक, डाइजेशन ईजली डिस्टर्ब, इसका पेट बहुत कमज़ोर होता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं पेट मेरा बड़ा कमज़ोर है, कुछ भी खा लेता हूँ ना मेरे को पछता ही नहीं है कुछ भी, मेरा पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऐसी बातें करेगा पेशेंट। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग ऑन टंग, और अगर पेशेंट इस तरीके की बात करता है आप बोलिए जीभ दिखाओ, अपनी जीभ दिखाएगा, उस पर बिल्कुल वाइट कोटिंग एकदम उसकी जीभ पे, बिल्कुल एकदम दूधिया सफ़ेद मोटी सी परत उसके जबान के ऊपर जो होती है वो जमी रहती है, बस ये इसका सबसे चीफ इंडिकेशन है एंटीम क्रूड का, जहाँ ये मिल जाए वहाँ पहले एंटीम क्रूड दे दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। विच इज़ द रेड स्ट्रैंड रेमेडी, ठीक है ना, बता दिया ना, ये बिल्कुल चीफ इसका एक्शन है, चीफ इंडिकेशन है। वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर्स इन द माउथ, इसके मुंह के अंदर जो होता है या साइड्स जो होते हैं इसके कॉर्नर, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाता है, ठीक, मुंह के अंदर भी हो जाता है, इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम और सल्फर भी, तो मुंह के अंदर अगर इस तरीके का कैंकर अगर होता है और साथ में उसका डाइजेशन डीरेंज अगर हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे एंटीम क्रूड होगा, ठीक। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक और डीरेंज डाइजेशन के साथ टंग पे वाइट लेयर होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा और डीरेंज डाइजेशन है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम भी हो सकता है, अगर बर्निंग उसमें बहुत ज़्यादा है तो सल्फर। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शंस फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, अगर ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ना उसको ब्रेड और पेस्ट्री या इस टाइप के जितने भी, क्या यार उसका अच्छा सा नाम है, बेकरी प्रोडक्ट्स, अगर ये बहुत ज़्यादा अगर बेकरी प्रोडक्ट्स खाता है तो इसका गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स इसको स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। एसिड्स स्पेशली विनेगर, खास करके जो है सिरका अगर खाए तो,
सार और बैड वाइन, बैड वाइन ठीक है, अगर कोई खट्टी शराब है वो पी ले तो ठंडे पानी से नहाने के बाद, तो ओवर हीटिंग की वजह से, तो और हॉट वेदर की वजह से, तो इसका गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल अफेक्शन जो भी उसके होते हैं, पेट से और आंतों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उसके ये सारे कॉज होते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स, खट्टी चीज़ों में, चाहे सिरका हो, खट्टी शराब हो, ठंडे पानी से नहाना हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो, गर्म मौसम है, ये इसके कॉजेज़ हैं। ये कॉजेज़ आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि कॉज किसी भी एक्यूट डिजीज़ में सिर्फ दो ही चीज़ें हमें देखनी होती है, कॉज और उसका पर्टिकुलर्स, बस दैट्स इट। एक्यूट डिजीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे राम कहानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्यूट डिजीज़ में दो चीज़ें देखी, रेमेडी प्रेस्क्राइब करी, बात ख़त्म, ठीक, अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 5। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स, मतलब इसको गैस इतनी बनती है हमेशा, इसको या तो ऊपर डकार आती रहेगी, बाबा ओ ओ ऐसे डकार लेता रहेगा बड़ी बड़ी, और या फिर हमेशा इसको नीचे से गैस पास होती रहेगी, इसका मतलब इतना ज़्यादा गैस बनती है। बेल्चिंग टेस्टिंग ऑफ इंजेस्टर, जब इसको डकार आती है तो ऐसा लगता है कि इसने जो भी खाना खाया था उसका टेस्ट इसको इसके मुँह में महसूस होता है, जब भी कहेगा कि डॉक्टर साहब जब भी डकार आती है ना तो ऐसा लगता है कि जो भी खाया है ना उसका टेस्ट हमेशा मुँह में बना रहता है ऐसा। म्यूकस फ्रॉम एनस, इकोरस ऊजिंग, स्टेनिंग येलो, म्यूकस पाइल्स, ठीक, इसके जो होता है एनल रूट से हमेशा म्यूकस जो होता है वो रिसता रहता है, ठीक है ना, हमेशा म्यूकस जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, वो इकोरस होता है और ऊजिंग होता है, जलन करने वाला जैसे इस टाइप का रहता है, ठीक है, और हमेशा बहता रहता है, ठीक है। स्टेनिंग येलो, और उसकी वजह से इसके जो भी कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स होता है, उसमें पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं, उसको धोने के बाद पे भी जो वो धब्बे नहीं जाते, वो येलो स्टेन उन कपड़ों पे रही जाता है। और म्यूकस पाइल्स में भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है, अगर किसी को ब्लाइंड पाइल्स हो, ठीक है, और ब्लडी पाइल्स नहीं हो, म्यूकस वाले पाइल्स हो, और हमेशा बोले कि उसमें से म्यूकस रिसता रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है हम एंटीम क्रूड आराम से दे सकते हैं। अगर उसको पेट में इंडाइजेशन मिल जाए, टंग पे वाइट कोटिंग मिल जाए और बोल दे म्यूकस पाइल्स, बस आँख बंद करके एंटीम क्रूड वहाँ पकड़ा दो उसको। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा धूप में चला जाए, बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे काम कर लो, उसके बाद अचानक से इसकी आवाज़ बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि कॉज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज हमें पता ही है इसका, ओवर हीटिंग, और उससे उसकी आवाज़ चली जाए थोड़ी देर के लिए, एकदम बोले हाँ हाँ ऐसा लगे आवाज़ ही नहीं आ रही है गले में से, इस टाइप से उसकी आवाज़ एकदम से बंद हो जाए, आवाज़ बैठ जाए, तो एंटीम क्रूड। हुपिंग कफ, ठीक है, हुपिंग कफ कैसा होता है, बहुत एकदम जो है ढेर सारी एकदम खांसी एकदम लगातार आती है, बिल्कुल सांस नहीं ले पाते, खांसता 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 एकदम बिल्कुल सांस नहीं ले पाता, थोड़ी सांस लेगा और फिर एकदम खांसना 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 चालू, ठीक है, हुपिंग कफ इस तरीके का, बच्चे का चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है या जिसको भी हुपिंग कफ होती है, क्योंकि सांस नहीं ले पाता, इतनी खांसी होती है और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है हुपिंग कफ। और ये हुपिंग कफ अगर बढ़ जाए गर्मी के मौसम में, या बहुत ज़्यादा धूप लगने की वजह से, या फिर गर्म रूम के अंदर आने पे बढ़ जाए, ठीक है, या फिर ठंडे पानी से नहाने पे बढ़ जाए, यानी कि कॉज इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटीम क्रूड का कॉज आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना है, कॉज याद होना ही चाहिए। और ये हुपिंग कफ कब बढ़े, या तो ओवर हीटेड इंसान तब, या फिर गर्म कमरे में, या फिर ठंडे पानी से नहाने के बाद, तो फिर रेमेडी इज़ द एंटीम क्रूड। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़, लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स ऑन द सोल्स ऑफ फीट, रेनेंक्यूलस बल्बोसस भी है यहाँ पे। इसके जो पैरों में जो होते हैं बड़े बड़े कॉर्न्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसको गोखरू भी बोलते हैं, ठीक है, वैसे बड़े बड़े गोखरू कॉर्न्स इसके पैरों में, सोल्स ऑफ फीट में इसको हो जाते हैं, और ये इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि ये चल भी नहीं पाता, ठीक है, ढंग से, वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल पैर नहीं रख पाता, और स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट्स, यानी कि खास करके जो पत्थर वाली जो फर्श होती है उस पर तो बिल्कुल ही नहीं चल पाता ये, ठीक है, बहुत दर्द करते हैं। नॉस्ट्रल्स एंड लेबियल कमिश्योर्स सोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी, नाक के जो कॉर्नर्स होंगे नीचे वाले, और मुंह का जो कॉर्नर्स होंगे किनारे, होठों के किनारे और नाक का नीचे का कॉर्नर, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये
यहाँ पे घाव हो जाता है, ठीक है, ये किनारे फट जाते हैं, दरार पड़ जाती है यहाँ पे, ठीक है, पपड़ी टाइप की वहाँ पे जमी रहती है, देखा होगा कई सारे लोगों को आपने, या छोटे बच्चों में भी मिल जाता है इस टाइप का, ठीक है, तो वहाँ पे पपड़ी टाइप की क्रस्टी होती है, क्रैक्ड होता है, फटे फटे किनारे होते हैं, दरार पड़ जाती है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पे, और बहुत दर्द करता है, मुंह पूरा खुलेगा नहीं, ठीक है, नाक ज़्यादा इधर उधर ऐसे हाथ से हिला नहीं सकता, बहुत पेनफुल होता है वो, ठीक, तो इसमें भी हम एंटीमिक्रोब देते हैं। नेक्स्ट है स्किन डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन। अगर स्किन पे किसी को भी बार बार एबनॉर्मल ग्रोथ होते हों, एबनॉर्मल ग्रोथ यानी कि कॉर्न्स निकल जाना, मस्से निकल जाना, किसी तरह का इस तरह का ओवर ग्रोथ कोई भी ऐसा दिखना, ठीक है ना, तो वहाँ पे एंटीमिक्रोब एक बहुत ही लाजवाब मेडिसिन है। वैसे ऐसी कंडीशन में थूजा भी से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली। इसके जो नाखून होते हैं वो जल्दी बड़े नहीं होते, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, आप पूछेंगे नाखून वगैरह ये कैसे हैं आपके, नाखून उनके अजीब से दिखेंगे आपको, जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख रहे हैं, या फिर पेशेंट आपसे बोलेंगे कि हमारे नाखून बड़े धीरे धीरे बढ़ते हैं, या बोलेंगे पैर के जो मेरे नाखून हैं ना वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, जल्दी बड़े ही नहीं होते, हाथ के तो बढ़ जाते पैर के नहीं बढ़ते, ठीक है, तो इस टाइप के इनके जो होते हैं फिंगर नेल्स होते हैं, जल्दी नहीं बढ़ते। क्रस्ड नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वॉर्ट्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स। इनके जो नाखून होते हैं अगर वो किसी वजह से क्रश्ड हो गए हों, नाखून इनके कुचल गए हों किसी वजह से, और उसके बाद मान लो घाव और ठीक हो गया, लेकिन तब से जब इनके जो नाखून बढ़ेंगे तो वो उस पर इस तरीके का एक स्प्लिट का निशान बना ही रहता है, ऐसा लगता है नाखून बीच से दरार पड़ गई है नाखून में, और वो उसी तरीके से फिर लगातार बढ़ते जाते हैं, जबकि वो तो ऊपर का जब क्रश हुआ था ठीक है, वो तो ठीक हो गया घाव वगैरह सब कुछ, अब जो नया नाखून आना चाहिए वो तो स्वस्थ होना चाहिए ना, नीचे से एक जैसा जुड़ा हुआ, लेकिन इनके नाखून फिर वो स्प्लिट फॉर्म में ही बड़े होते जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम एंटीमिक्रोब इसको दे सकते हैं। विथ हॉर्नी स्पॉट, या तो नाखून के ऊपर बहुत ज़्यादा हॉर्नी स्पॉट, बिल्कुल टाइट टाइट जो होते हैं वॉर्ट्स टाइप के, मस्से टाइप के, गांठ टाइप के बन जाती है, उभरी उभरी टाइप की, ठीक। मोडालिटी इसका क्या होता है, एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग यानी कि ज़्यादा खा ले या फिर खट्टी चीज़ें ये सब ले ले तो दिक्कत होती है, ठंडे पानी से नहा ले तो, एसिड्स और सार वाइन, खट्टी चीज़ें खा ले या खट्टी शराब पी ले, आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, गर्म अगर ये हो जाए, चाहे आग की गर्मी लग जाए और चाहे धूप की गर्मी लग जाए, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड, बहुत ज़्यादा अगर ठंड लग जाए, या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा है तो गर्मी लग जाए। एमिलियोरेशन इसका होता है इन द ओपन एयर, खुली हवा में इसको बड़ा आराम लगता है, जब रेस्ट करता है तो इसको बड़ा आराम मिलता है, और आफ्टर अ वार्म बाथ, गर्म पानी से इसको नहाने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सट्रीम गर्मी से इसकी दिक्कत बढ़ती है, एक्सट्रीम ठंडी से इसकी दिक्कत बढ़ती है, लेकिन अगर ये गुनगुने पानी से, अगर हल्के गर्म पानी से अगर ये नहाए तो इसको बहुत रिलीफ मिलता है। और अब हम थोड़ा सा ये सिमिलैरिटी इसके रिलेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि सिमिलैरिटी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, तो अगर यहाँ पे इनसे डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ पे सिमिलैरिटी में दिया है इसके ब्रायनिया एपिकैक लाइकोपोडियम पल्स इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। गैस्ट्रिक कंप्लेंट में ब्रायनिया एपिकैक लाइकोपोडियम और पल्स से इसकी सिमिलैरिटी होती है। क्या सिमिलैरिटी होती है कि ब्रायनिया जो होगा उसमें भी डायरिया पाया जाता है, इसमें भी डायरिया पाया जाता है, ब्रायनिया में भी धूप लगने से हो जाता है गर्मी के मौसम में, इसमें भी धूप लगने से हो जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि ब्रायनिया में थर्स्ट बहुत ज़्यादा होगी, इसमें थर्स्ट नहीं होगी। एपिकैक में जो भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट होगा उसके साथ वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, नौजिया बहुत ज़्यादा होगा, इसमें भी वॉमिटिंग होती है, लेकिन इसमें एक बार उल्टी होने के बाद आराम मिल जाता है। एपिकैक में अगर एक बार उल्टी हो जाए तब भी नौजिया कंटिन्यूस बना ही रहता है। लाइकोपोडियम में भी गैस बनती है, इसमें भी गैस बनती है, लेकिन लाइकोपोडियम में जनरली जो गैस बनती है वो लोअर एब्डोमेन में बनती है, ठीक, और इसकी जो गैस होती है वो किसी भी एक पार्ट में पर्टिकुलर हो सकती है, कोई फिक्स नहीं होता है, और जनरली इसका जो होता है वो खट्टी चीज़ें खाने से इसके प्रॉब्लम होती है, लाइकोपोडियम में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। पल्स इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट, पल्स के साथ इसका गैस्ट्रिक कंप्लेंट ये रहता है कि पल्स जो होता है वो भी अगर रिच फूड खा लेता है तो उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी रिच फूड खाता है तो इसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो होती है बेल्चिंग जो होगी उसमें खाने का जो टेस्ट होता है वो इसके लगातार मुँह में आता रहता है, लेकिन पल्स में ऐसा नहीं होता।
तो ये इसका एक हल्का सा मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। बाकी जब हम इन रेमेडीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आप खुद ही एबल हो जाएंगे रेमेडीज़ को आपस में डिफरेंशिएट करने में, और हम वहाँ पे डिफरेंशिएट करके फिर बात भी करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।